फिल्म एक्सप्लेन टीवी प्रेजेंटिंग द कश्मीर फाइल्स फिल्म, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चे को क्रिकेट खेलते दिखाया जाता है। तभी रेडियो पर सुनाई देता है कि सचिन ने छक्का मारा है। तभी शिवा नाम का एक लड़का अपने बल्ले को लेकर कूदने लगता है। तभी वहां खड़े कुछ लड़के आते हैं और उसे मारने लगते हैं और कहते हैं, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, लेकिन वह नहीं बोलता है, जिससे वह लड़के उसे और मारने लगते हैं। तभी शिवा का दोस्त उसे किसी तरह वहां से बचाकर लेके भाग जाता है और एक जगह जाके छिप जाता है। तभी वह देखता है कि बहुत सारे आतंकवादी हाथों में बंदूक लिए चिल्ला रहे होते हैं कि कश्मीर छोड़कर भाग जाओ या कन्वर्ट हो जाओ या फिर मारे जाओ, और उसमें कई बच्चे भी हथियार लिए शामिल थे। तभी इधर एक आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम पुष्कर नाथ पंडित होता है और वो महाशिवरात्रि के दौरान होने वाले कार्यक्रम का रिहर्सल कर रहे होते हैं। ये शिवा के दादाजी होते हैं जो बाहर की हालात को देखते हुए वहीं रुक जाते हैं। तभी इधर हम देखते हैं एक आतंकवादी को जिनका नाम फारूक मलिक बिट्टा है और वो सबको कह रहा होता है कि ये मुल्क हमारा है और हमें अपनी आज़ादी की जंग लड़नी है। हमारा दुश्मन भारत है और इंडिया को सबक सिखाने का एक ही रास्ता है, वो है अल जिहाद। वह ऐसे ही सबका माइंड वॉश करता था। तब पुष्कर नाथ को उसके पोते शिवा और उसका दोस्त अब्दुल मिल जाता है। वह उसे लेकर घर जाने लगते हैं। तभी उधर कुछ लोग बंदूक लेकर पुष्कर नाथ के घर पहुंच जाते हैं, जहां पे उसके बेटे बहू शारदा और शारदा के छोटे बेटे कृष्णा भी होता है। तभी कृष्णा के पिता स्टोर रूम में एक टंकी से चावल निकालकर वहीं छिप जाते हैं। तभी बाहर खड़े एक आदमी उसे बता देता है कि वो स्टोर रूम में छिपा है। ये शिवा के दोस्त अब्दुल के पिता होते हैं। तब सारे आतंकवादी स्टोर रूम में घुस जाता है और शारदा को पकड़ लेता है। तब वहाँ पे फारूक मलिक बिट्टा आता है और उसे पता चल जाता है कि वह चावल की टंकी में छिपा है और वो उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। तभी वहाँ पे पुष्कर नाथ पहुँच जाते हैं और ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तभी आतंकी उन्हें भी बुरी तरह से मारने लगते हैं। जब पुष्कर नाथ फारूक मलिक बिट्टा को देखता है तो उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें बचपन में पढ़ाया था, मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और टंकी से निकल रहे खून चावल में मिल गया था। तभी फारूक मलिक बेटा उस खून से सने चावल को शारदा को खाने को कहता है, अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम सबका जान बख्श दूंगा। अब कहानी यहीं से प्रेजेंट में आती है, जहां हम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ब्रह्मा दत्त और उनकी पत्नी लक्ष्मी दत्त को देखते हैं। तभी उनके घर पर तीन लोग आता है, हरि नारायण जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, विष्णु राम जो कि एक जर्नलिस्ट थे और महेश कुमार जो कि एक डॉक्टर थे। ये तीनों ब्रह्मा दत्त के दोस्त होते हैं। तभी वहाँ पे शारदा का छोटा बेटा कृष्णा भी आता है और उसके हाथों में पुष्कर नाथ की अस्थि होती है, इसका मतलब पुष्कर नाथ अब मर चुका है। तभी कृष्णा अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में ब्रह्मा दत्त से पूछने लगता है। तब ब्रह्मा दत्त उसे सब बता देता है और कहानी 19 जून 1990 में शिफ्ट होती है, जहाँ पे मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा होता है कि जान प्यारी है तो कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। तभी वहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ फारूक मलिक बेटा शारदा को खून से सने चावल खाने को कहता है। तभी शारदा सबकी जान बचाने के लिए अपनी पति के खून से सने चावल को खा लेती है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बहू बेटियों के साथ बलात्कार करना और उसके पति को मारकर अपना गुलाम बना लेना, बस यही सब चल रहा होता है। तभी इधर अस्पताल में डॉक्टर महेश सबका इलाज कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक आतंकी का झुंड आता है, उसमें से एक आतंकवादी को गोली लग गई थी। तभी एक आतंकी खड़े होकर कहता है कि कोई भी नर्स या डॉक्टर किसी भी काफिर का इलाज नहीं करेगा। तभी इधर ब्रह्मा दत्त टीवी में देख रहे होते हैं कि कश्मीर के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तभी ब्रह्मा दत्त के पास पुष्कर नाथ का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि आतंकवादी ने हमारे बेटे को मार दिया है और रात भर में सभी कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। तभी ब्रह्मा कहते हैं मैं कुछ करता हूँ और वो ऊपर बैठे सभी मंत्री को कॉल करते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है, जैसे किसी को कश्मीर से कोई मतलब ही नहीं है। तभी ब्रह्मा होम मिनिस्टर के साथ उस जगह जाते हैं जहाँ पे सारे कश्मीरी पंडित टेंट में रह रहे थे। तभी पुष्कर नाथ अचानक से आते हैं और कहते हैं 370 आर्टिकल हटाओ और फिर से कश्मीरी पंडित को स्थापित करो। ब्रह्मा पुष्कर नाथ की इस हालत को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ब्रह्मा दत्त पुष्कर नाथ की पूरी फैमिली को एक अच्छी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जहां पे सभी टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें विष्णु फारूक मलिक बिट्टा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तभी विष्णु उसे पूछते हैं, अगर आपको कहा जाता कि आप अपने सगे भाई को मार दो तो क्या आप मार देते? तभी फारूक मलिक बिट्टा कहता है हाँ मार देते। तभी विष्णु उसे कहते हैं क्या आप अपनी माँ को मार देते? तभी बिट्टा कहता है हाँ मार देते, जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी था।
तभी सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे कृष्णा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि प्रोफेसर राधिका ने उसे कुछ और ही कश्मीर के बारे में बताया था। उसे समझ नहीं आता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तभी सीन थोड़ा पीछे जाता है जहाँ पे पुष्करनाथ अस्पताल में लेटे हुए थे और अपने पोते कृष्णा से कहते हैं, मेरे अस्थियों को मेरे कश्मीर वाले घर में बिखेर देना और मेरे फोन में 4 दोस्तों के नंबर हैं, उन्हें भी साथ ले जाना। तभी कृष्णा प्रोफेसर राधिका से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसके दादाजी का डेथ हो गया है और वो कश्मीर जा रहा है, पर सब उसे रोकने लगते हैं क्योंकि परसों ही इलेक्शन होने वाला था और कृष्णा भी उस इलेक्शन में खड़ा था। तभी राधिका कृष्णा को वहाँ किसी से मिलने को कहती है, अगर तुम उससे मिल लेते हो तो इकोसिस्टम का सारा सपोर्ट तुम्हें ही मिल जाएगा। तभी कृष्णा उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि कश्मीर में आपके इतने डीप कॉन्टैक्ट है। तभी राधिका कहती है, सरकार भले ही उसका है लेकिन सिस्टम तो हमारा चलता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ कृष्णा और पुष्करनाथ के सभी दोस्त पुष्करनाथ के कश्मीर वाले घर में आ जाते हैं और उनके अस्थियों को बिखेरते हैं और सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं, आखिर पुष्करनाथ अपने कश्मीर वाले घर में आ ही गए। तभी हम देखते हैं कि कृष्णा को एक आदमी लेने आता है जिसे प्रोफेसर राधिका ने मिलने को कहा था। वो आदमी कृष्णा को एक घर में ले जाता है। तभी कृष्णा वहाँ दीवार पर लगे एक फोटो को देखता है जिसमें प्रोफेसर राधिका फारूक मलिक बिट्टा के साथ ऐसे खड़ी होती है जैसे वह उसकी प्रेमिका हो। तभी वहाँ पे फारूक मलिक बिट्टा आता है, वह उसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तभी फारूक मलिक बिट्टा उसे कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ सबसे सेफ जगह पे हो और तुमने जो भी मेरे बारे में पढ़ा है या सुना है वह सब कुछ झूठ है। वो पूरी तरह से कृष्णा को अपने बातों में फंसा लेता है। जब कृष्णा घर पहुँचता है तो ब्रह्मा दत्त को पता चल जाता है वह किससे मिलकर आ रहा है। तभी कृष्णा कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे माता पिता को किसने मारा था। तभी ब्रह्मा दत्त उसे 3 फाइल्स देते हैं जिसमें सारे कश्मीरी पंडित मरने और मारने वालों का नाम होता है, जिसे पढ़ने के बाद कृष्णा पूरी तरह से टूट जाता है। जब कृष्णा कॉलेज आता है तो प्रोफेसर राधिका उसके हाथों में माइक देती है और उसे स्पीच देने को कहती है क्योंकि वह अभी अभी कश्मीर से होकर आया था। तभी कृष्णा वो सारी बात सबको सुनाता है जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ था, जिससे सारे स्टूडेंट कृष्णा के फेवर में आने लगते हैं। तभी प्रोफेसर राधिका मुँह छुपा कर वहाँ से निकल जाती है। तभी सीन यहाँ से पीछे आता है जहाँ आर्मी के कपड़े पहने कुछ लोग गांव में घुस जाते हैं और सभी कश्मीरी पंडित को इकट्ठा होने को कहते हैं। तभी पुष्करनाथ समझ जाते हैं कि ये कोई आर्मी नहीं बल्कि आतंकवादी है और वो पुष्करनाथ को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे फारूक मलिक बिट्टा आ जाता है और वो पुष्करनाथ को पकड़ते हुए कहता है, आज यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी दास्तान दुनिया को सुनाने के लिए मैं अपने टीचर पुष्करनाथ को जिंदा छोड़ रहा हूँ। बाहर बहुत आवाज होने के कारण शिवा अपने छोटे भाई कृष्णा को कमरे में ही छोड़कर बाहर निकल जाता है और आतंकवादी उसे भी पकड़ लेता है और उसकी माँ के कपड़े को फाड़ कर आरी मशीन के ऊपर लिटा देता है और उसे बीच से काट देता है। उसके बाद सभी लोगों को लाइन से खड़ा करके फारूक मलिक बिट्टा एक एक करके सबको गोली मार देता है और लास्ट में शिवा को भी मार देता है और कहानी यहीं पे खत्म होती है। आतंकवादी फारूक मलिक बिट्टा के लिए आपके मन में जितने भी गालियां हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।